नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल, जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ चटपटी और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों आज आपके लिए क्या है स्पेशल, आइए देखते हैं। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेता शाहिद कपूर को आज शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा। शाहिद ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारी हिट फिल्में दी, लेकिन उनकी ज्यादातर फिल्में फ्लॉप भी रही। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उनके ब्लॉकबस्टर फिल्म विवाह के बारे में, जिसके निर्देशक सूरज बड़जात्या थे। बता दें कि इस फिल्म को केवल 8 करोड़ के मामूली बजट में बनाया गया था, लेकिन इसके बावजूद इस फिल्म ने 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। इस फिल्म में आपको एक्ट्रेस भी जरूर याद होंगी जिसने पूनम का किरदार निभाया था। इस फिल्म में उन्होंने काफी शानदार अभिनय किया था, जिसके बाद लोगों ने पूनम के नाम से उन्हें जानने लगे थे। लेकिन इस एक्ट्रेस का असली नाम था अमृता राव। बता दें कि विवाह फिल्म में पूनम का किरदार निभाने वाली ये अभिनेत्री पहले से भी काफी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी हैं। तो आइए देखते हैं उनकी कुछ नई तस्वीरें। एक्ट्रेस अमृता राव का जन्म 7 जून 1981 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उनकी बहन का नाम प्रीतिका राव है, जो कि एक फिल्म अभिनेत्री और मॉडल है। अमृता राव ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें सबसे बड़ी पहचान विवाह फिल्म से मिली थी। अमृता राव ने बॉलीवुड की कई हिट फिल्मों में काम किया है, जिनमें मैं हूं ना, मस्ती, जॉली, LLB मुख्य है। बॉलीवुड की फिल्मों के अलावा भी उन्होंने साल 2019 में स्टार प्लस के सीरियल परफेक्ट ब्राइड में एक जज के तौर पर काम किया है। उसके बाद साल 2016 में वो मेरी आवाज ही पहचान है में नजर आई। वहीं पिछले 5 सालों में अमृता राव फिल्मी दुनिया से काफी दूर हैं, लेकिन अब आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि बीते 15 मई को अमृता राव ने अपनी शादी की दूसरी सालगिरह मनाई। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं। अमृता तस्वीरों में बिल्कुल ठीक नजर आ रही हैं, लेकिन वो पोज देने के लिए व्हीलचेयर पर बैठी हैं। भले ही अब अमृता फिल्मों में नजर ना आ रही हो, लेकिन वो अपने फैंस के लिए हमेशा एक्टिव रहती हैं और अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भेजती रहती हैं। एक्ट्रेस अमृता गर्मी को बेहतर तरीके से एंजॉय करते हुए दिख रही हैं। इतना ही नहीं, वो खाली समय में भी सजती संवरती रहती हैं। अब अमृता बॉलीवुड में वापस एंट्री कब करती हैं, इसके बारे में तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दोस्तों अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो हमारी स्टोरी को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब।